रस्सी के बिना काम नहीं होगा, रस्सी नहीं है अपने पास, वहां भी चलते हैं। तो भाई काजा से निकल चुके हैं हम और करीब हम पहुंचने वाले टाबू। तो हालत बहुत खराब है और जो GoPro था उसकी बैटरी हो चुकी है ड्रेन, बिल्कुल खत्म। दोनों बैटरी थी, दोनों बैटरी ड्रेन हो चुकी है और हालत खराब हो रही है। पूरी में बर्फ बर्फ जमी है, ये देखो गाड़ी पे बर्फ, पूरी बाइक पे बर्फ, सामान वामान। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है डे 5 और अभी हम हैं टाबू में। तो टाबू जो काजा टाबू की डिस्टेंस है वो 40 or 50 किलोमीटर का समथिंग है। तो हम रात को बहुत मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ था तो हम वहाँ से 6 बजे निकले और यहाँ पे हम 8 या 7 बजे समथिंग पहुँचे थे। यहाँ पे आके हमने ये होम स्टे लिया था, तो उसका वाइड एंगल का व्यूज़ मैं कुछ ऐसा देता हूँ आपको। यहाँ से हमने 2 लिए थे, 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये रूम मिला था जिसमें फूड अलग था हमारा। तो ऐसा कुछ रूम था, एक ये रूम है और दूसरा रूम मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। और ये मड हाउस है, पूरा पूरा मड, ऊपर से देख सकते हो आप लोग को पूरा, जैसे मिट्टी का इनका बनाते, लकड़ियों का बनाते, वो है पूरा, कोई सीमेंट कोई कुछ नहीं है। दूसरा रूम हमारा ये है, ये हमारे सरोड़ा सामान वामान फैला हुआ है। और आपको थोड़ा कुछ ऐसा व्यू दिखाता हूँ जो हम 2 दिन से यहाँ देख रहे हैं, मतलब इस स्थिति में देख रहे हैं। तो हमारी जो खिड़की है, खिड़की से कुछ ऐसा व्यू दिखता है बाहर का। और अभी हो रहा है खतरनाक वाला स्नोफॉल, खतरनाक वाला, ये देखिए धूप निकल रही है और स्नोफॉल हो रहा है कल से। और लोग बाग देखो अपने घर की छतों से ही साफ करते हो बर्फ बर्फ आइस, क्योंकि अगर ये टाइम पे साफ नहीं करेंगे तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और स्लिप भी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, माउंटेन्स बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ आपको। और बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत ही कॉजी एकदम, बिल्कुल ठंड बिल्कुल नहीं लगती यहाँ। और ये बाहर निकलते तो कुछ ऐसा व्यू है, क्या पता मेरा लुक कैसा आ रहा हूँ, पर ठीक है। तो मैं ले चलता हूँ आपको एक बार थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखा के लाता हूँ, या छत पे चलते पहले एक बार। हाँ आ जाओ, छत पे लेके चलता हूँ, आ जाओ रोहित। तो छत दिखा के लाता हूँ मैं एक बार, छत से कैसा व्यू आता है पूरा एकदम 360 एंगल वाला। आई थिंक यहाँ से कुछ है रूम ऊपर का व्यू, तो एक बार चलते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम है यहाँ। खतरनाक वाला, क्या पता ये है या नहीं है, आई थिंक यही है। इसको पैक कर रखा है कि यहाँ पे बर्फ ना जमे। पूरा मर्ड हाउस है, वाओ अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, क्या व्यू है। आप और दिखाता हूँ कुछ, तो वही स्नोफॉल हो रही है और ठंड बिल्कुल नहीं लग रही, यहाँ ठंड लग रही, स्नोफॉल होती है अपने वहाँ थोड़ी चुभती है ठंड, पर ही ठंड चुभने वाली नहीं है। तो भाई ये कुछ ऐसा व्यू है 360 एंगल, फ्लैक्स लगा रखे हैं चारों तरफ, ऐसा बोलते हैं कि इन फ्लैक्स से जो हवा निकलती है लग के वो पवित्र हवा हो जाती है। वो पूरी पे बर्फ देखी पूरी पे। और इस गेस्ट हाउस का नाम बता देता हूँ मैं, जैसे ही आप काजा से आते हो टाबो के लिए तो ये स्टार्टिंग में मिल जाएगा, नमस्ते नमस्ते होम स्टे आई है, ठीक है, गेस्ट हाउस नहीं होम स्टे। और अगर वहाँ से नागपुर से होते हुए आते हो तो थोड़ा लास्ट में आके ये नमस्ते मेन रोड पे एकदम। तो नीचे चलते हैं और देखो ऊपर भी लगा रखे फ्लैग्स सबसे ऊपर टॉप में। तो आज हमें पहुँचना है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे चंडीगढ़ या दिल्ली तक। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो आज डेट है 12 मार्च। तो देखो हम कब तक पहुंचते हैं दिल्ली, नीचे चलते हैं वापस।
तो भाई नीचे कुछ आराम से चलना पड़ेगा। अंधेरा हो रहा है एकदम बिल्कुल। और जो हमारे खाने का है, जहाँ हमने खाना खाया था रात को, उसका भी कुछ ऐसा है। वहाँ पे चिमनी या कुछ जलाते, चिमनी से धुआं पड़ती है, और यहाँ बैठ कर हमने खाना खाया रात भर। रात भर तो नहीं, रात को, रात में खाना खाया यहाँ बैठ के आराम से। आगे तो चलते हैं। ये भैया ऑनर है, उनसे ऑनर है, उनसे मिला जाता हूँ एक बार आपको। तो भैया इस होम स्टे के ऑनर है। काजा से जब अगर आते हो तो शुरू में स्टार्टिंग में मेन रोड पे पड़ेगा ये, और अगर टाबो की तरफ जो नाको की तरफ से आते हो तो ये थोड़ा सा एंड में टाबो में, और मेन रोड पे है बिल्कुल एकदम। और व्यू बहुत अच्छा है इसका, रूम जो अच्छे, जो भी पिक्चर्स मैं लेके आया हूँ वो पिक्चर्स एक बार आप देख लो। ये भैया है, इनसे और इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना आप। इनकी जो भी डिटेल होगी, वेबसाइट जो भी इनके है, नंबर है, यहाँ के लोकल नंबर है, और इनके जो पिक्चर्स होंगे, व्यू होंगे, बाहर के पिक्चर्स भी मैं आपके इंस्टाग्राम पर वीडियोस पे सब पे डाल दूंगा। जी जी, कुछ कहना है आपको? थैंक यू सर। तो आपने वीडियोग्राफी कर रहे हैं एक प्रोफेशनल तरीके से, सो वेलकम। आप लोग आए कल काजा से, तो यहाँ पे आए आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा मेरा होम स्टे। मेरा होम स्टे का नाम है नाम से होम स्टे, इको फ्रेंडली मर्ट रूम और कोजी रूम है। सो स्पेट एंड टच है, इसमें कल्चर है मेरा। यहाँ पे अपना लोकल कल्चर म्यूजिशियन भी होते हैं, कोकू मैं लोकल छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। व्यू हो आप लोगों को पसंद आएगा। आप जो भी विजिटर हैं या स्पीति घूमने आएंगे, आप लोग वेलकम, आए मेरे पास ठहर के जाए, तो आप लोग को बहुत ही इंजॉय आएगा। थैंक यू। ठीक है भैया, डिटेल में डाल देता हूँ, डिटेल में सारी जो डिस्क्रिप्शन डिटेल डाल दूंगा, तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो जब भी स्पीति आते हो। ठीक है भैया, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा फूड था आपका रात के टाइम। थैंक यू, आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा। भैया के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। भैया है म्यूजिशियन, तो यहाँ का जो लोकल है, लोकल सिंगिंग, जो लोकल यहाँ का फोक, जो भी लोकल होता है, यहाँ के गाने वाने होते हैं, ये भैया कुछ सिंगिंग करते हैं अच्छे से, और आपको सुना सकते हैं यहाँ पे। जब भी आप आओ तो आप यहाँ का लोकल सुन सकते हो, यहाँ का म्यूजिक बहुत अच्छे से गाते हैं, क्योंकि इन्होंने कल हमें रात को सुनाया था जब हम खाना करते उस टाइम। और ये कुछ ऐसा इनका व्यू है, नाम से होम स्टे, नमस्ते नाम से होम स्टे के नाम से। हम जहाँ भी रुके थे हमें हर जगह पानी कमी हुई थी, पर यहाँ हमें पानी कमी नहीं, यहाँ प्रॉपर गर्म पानी मिला है टाइम पे। और ये भी कुछ ऐसा है यहाँ का रोड का, ये किसी की हिमालयन है, और ये पल्सर है हमारी, इसमें बर्फ जमी हुई है। और ये जो दो बाइक से की भी हमारी, इसमें बर्फ जमी हुई है पूरी स्नो। नाम से होम स्टे, यहाँ से कुछ भी ऐसा है इनका। और ये इनका बोर्ड लगा हुआ, इनकी वेबसाइट भी है spitiora.com, नाम से होम स्टे spiti.com। और ये इनकी मेल आईडी है, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, कैप्चर करके स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। जब भी आप टाबो में आओ तो यहाँ को बहुत अच्छा वो है, यहाँ पे कोजी रूम है, मतलब आसपास अभी तक मैंने काजा में भी नहीं देखा ऐसा कुछ रूम, तो यहाँ रुक सकते हो आप, सांस बन रही है क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा लेवल कम है यहाँ ऊपर आके हाइट पे ज़्यादा। तो चलते हैं, तो निकलते हैं यहाँ से, हाँ वापस अपने घर की तरफ। अच्छा लगा काजा में और तापों में, तो यहाँ से आराम आराम चलानी बाइक, क्योंकि रोड स्लिपरी हो गई एकदम। अब स्नोफॉल बंद हो गई, बस ऊपर की साइड हो रही है स्नोफॉल। कल रात को ऐसा होता कि हम लोग 6 बजे निकले वहाँ से, और स्नोफॉल तो पहले से सुबह से स्टार्ट हो रखी थी, फिर हमने निकलने का डिसीजन सही लिया, क्योंकि रात को अगर हम वहीं रुकते काजा में तो जो रोड थी उन पे स्नो और जम चुकी थी बिल्कुल हार्ड बर्फ, तो हमको निकलना जरूरी था। तो रात रात के जैसे कि रात को हमने देखा कि मेरा सूट नहीं कर रहा, क्योंकि बैटरी थी नहीं, तो जितना भी हो पाया
मैं लिया सूट करके, और थोड़ा फोन से गया था, उससे फोन से आप देखा ही होगा क्योंकि रात को हालत नहीं थी। गाड़ियों पे, बाइकों पे, सब पे बर्फ है। आते वक्त हमें बिल्कुल साफ मौसम लगता है, एकदम रोड बिल्कुल साफ थी, और आप देख रहे होंगे आप कैसी रोड हो रही है अब, और आगे भी 2-3 दिन मौसम खराब रहने के चांस है अकॉर्डिंग टू मौसम विभाग। और यहाँ के लोकल लोगों ने जो बताया, वाह भाई वाह, क्या व्यू है देखो सामने। मजा आ गया मेरा। तो हमें जा रहे हैं यहाँ से शिमला, और फिर वहाँ से 366 किलोमीटर को थे शिमला, तो 50 किलोमीटर तो हमने कल ही कवर कर दिया सर। हाँ तो बहुत ही अच्छा रहा, लहरी है 4 किलोमीटर और मौसम लग रहा है खतरनाक। बाइक थोड़ा टाइम लेती है स्टार्ट होने, फिर हो गई स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल टैंक भी फुल है, कल भरा ही लिया था वहाँ पे, तो जहाँ तक जाएंगे वहाँ रास्ते मिल रहा है कहीं ना कहीं पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल की, कोई दिक्कत नहीं आई। विश्राम ग्रह समुद्री 27 किलोमीटर समुद्र, अच्छा समुद्र लिखा है विश्राम ग्रह समुद्र। वाह भाई वाह, क्या व्यू हो रहा है। छोटी सी क्रॉसिंग आती है बर्फ की एक, यहाँ पिक्चर खिंचाई दिया था ना जब हम लोग यहाँ से निकले थे, उस टाइम यहाँ कुछ भी बर्फ बर्फ नहीं थी इतनी, और जब आए हैं तो पूरे फाट गए और बर्फ से। तो एक पिक्चर लिए यहाँ से, पूरी बर्फ जमी है से, पानी की आई जमी है एकदम, कैसे हो गए बिल्कुल। निकलते हैं यहाँ से, सावधान, और पहाड़ों में हॉर्न भी कहीं कहीं नहीं बजाना चाहिए। और वाह भाई वाह, क्योंकि वह पत्थर कंकड़ ढहने का डर है, साउंड से बहुत इफेक्ट पड़ता है। बर्फ के पहाड़, और वहाँ बीचों बीच चलते हुए हम लोग अपनी बाइक पे, क्या व्यू है। और साथ में मुझे यहाँ पे एक चाय, तो मजा ही मजा है। वाह वाह, क्या व्यू है सामने का। तो थोड़ा सा हम थ्रिल करते हुए हम हाईवे से कट के अंदर आ गए, तो थोड़ा सा हम थ्रिल करते हुए हम हाईवे से कट के अंदर आ गए। तो 8 किलोमीटर यहाँ पे कोई मम्मी का कोई बना हुआ है कि मतलब कोई पहले खत्म हो गए थे, मतलब पहले के जो लोग थे काफी टाइम पहले का, वो उनकी मूर्ति वहाँ लगा रखी है अभी भी, जिसको मम्मी कहते हैं। तो हम अंदर की तरफ आ गए, यहाँ से 8 किलोमीटर बता रहा है। साइड साइड राइट में एक पैर ऊपर, एक पैर ऊपर, चलो 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 चलो, आराम से आराम से, रेस दे रेस दे रेस दे जाओ, हाँ रेस दे, चलो चलो रेस 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 भाई रेस, मौसम मना रहा है, मौसम हाँ मौसम मना रहा है भाई, फर्स्ट गियर लगा फर्स्ट गियर, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई, मैं पीछे सुने मैं बोल रहा हूँ, मौसम मना करो फर्स्ट गियर में खींच दो मीटर, मैं खड़ा हूँ पीछे, गिरेगी नहीं। चलो खींच 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 खींच, आराम से बस धीरे धीरे धीरे, ये सॉफ्ट बर्फ ही वाली है ना,
आराम आराम से, आराम आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरा पाँव कैसा हो गया? आराम से आराम से। आराम से आराम से। आराम से आराम से। वाह भाई वाह। तो हम पहुंचते हुए अपने विलेज की ओर, क्या ब्यूटीफुल, क्या पेड़ लग रहे हैं एकदम, बिल्कुल खतरनाक वाले, क्या व्यू आ रहा है इनका, नेचर है भाई नेचर, खतरनाक व्यू है, खतरनाक व्यू एकदम नेचर है भाई। बिल्कुल पीक पे आ गए, वाह ये बर्फ नहीं पिघली। उतरे वो उतरना, यहाँ रोप की जरूरत है पर हम निकल जाएंगे यहाँ से। मजा आ गया ना कल, मजा आ गया, तो गिर भी गए एक बार सही में। तो एक पैच क्लियर हो गया, ये दूसरा पैच आएगा, यहाँ से निकलते हैं। आराम से, बहुत ही आराम से भाई, 5 किलोमीटर कवर करने में हालत खराब हो गई, तो आगे बाइक फंसती हुई। भाई आगे से बनाओ खतरनाक, तो देख लो जैसे कि कैसे बाइक फंस रही है। मजा आ गया, यही देखना होता है, मैं यही विंटर्स भी थी भाई। तुम निकालो, तुम निकालो, तुम निकालो, ये देख पूरा कर्व ले लिया। मैं निकलता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि शायद मेरी बाइक चल जाएगी ऊपर, इनकी बाइक में दिक्कत आ रही है, तो मैं खींच के लेता हूँ, ठीक है ना? केटीएम फैले तो भाई, मैं कह रहा हूँ बर्फ के ऊपर फैले ये। तो मैं खींचता हूँ, आगे की तरफ फिर चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिप बना के रखो, ग्रिप बना के रखो, ग्रिप बना के रखो भाई, ग्रिप बना के रखो। बस यहीं तक है, ज़्यादा नहीं है, हो गया हो गया। ऑलमोस्ट निकल गई बाइक,
हैंडल बहुत सही बहुत सही। आराम आराम से ये पानी पिघलता हुआ अब शायद आराम जो तुम बर्फ उसके बहुत ही आराम से KTM जैसी बाइक फंस गई यहाँ क्योंकि पता नहीं टायर स्लिप होते बहुत पर हम लोगों ने कवर कर दिया। तो कुछ ऐसी रॉयल एनफील्ड जो बर्फ में भी आ गई बर्फ में रॉयल एनफील्ड ही आई बजाज की पल्सर KTM दोनों फंस गई पीछे पर भाई मानता हूँ रॉयल एनफील्ड चीज़ है भाई चीज़ है कदर है भाई रॉयल एनफील्ड की जो ये भाई यहाँ तक लेके आए ये हमें ये टॉप चढ़ा के लिए उनको देखता हूँ पीछे क्या सीन है उनका। जूतों की डस्ट भी खुल गई है लेस है। हम वापस नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ आ गए तो हमने ये सोचा कि वापस चलते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ हो रही है और अभी मौसम बिगड़ा ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं तो भाई बाइक निकाल के लाया ऊपर से वापस चलो अभी कैसे रहा भाई बढ़िया 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 ना ये भी निकल के आ रही है भाई और बहुत ही बढ़िया बहुत ही उम्दा बहुत ही उम्दा। आ जाओ वापस निकल के और अपने तरफ वापस आते हुए अपने घर की तरफ।